हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है ये है डाउन लाइट। डाउन लाइट में जो सबसे सस्ती डाउन लाइट जो अवेलेबल है और काफ़ी ब्रांड्स में अवेलेबल है और इतनी सारी ब्रांड में अवेलेबल होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी रेंज में अवेलेबल है, काफ़ी सस्ती है, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखे, जरा भी स्किप मत कीजिए, तो एक भी इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं करोगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो हमारी आज की डाउन लाइट है, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपके सामने दो ब्रांड की डाउन लाइट दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक है विप्रो कंपनी की और एक है पैनासोनिक की। ये दोनों कंपनी की मैं आपको पैनल डाउन लाइट दिखा रहा हूँ, बट इसमें आपको पसंद की, आपको जो भी आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो, सारी ब्रांड में ये लाइट्स अवेलेबल है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड चूज़ करते हो, कोई पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ करते हो, तो उसके अंदर भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएगी। इसकी आपको मैं बॉडी दिखा देता हूँ। ये है विप्रो की, आप ये देख सकते हो, और उसके बाद आपको दिखा दूँ ये है पैनासोनिक की। दोनों का लुक आप देखोगे, बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, 3 वॉट की है। इसके अंदर देख सकते हो हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। अंदर की डेप्थ विप्रो की आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, ये 2 इंच की डेप्थ है और ये आप देखोगे तो 1 इंच की डेप्थ है। आपकी सीलिंग में कितना स्पेस अवेलेबल है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। अगर 2 इंच तक अगर आप लगा सकते हो, अंदर जगह है जो अंदर जा सकती है, तो आप ये भी ले सकते हो। अगर कम जगह है तो आप ये भी ले सकते हो। आप देख सकते हो ये दोनों में आपको सिर्फ राउंड शेप मिलेगा, इसमें स्क्वायर शेप अवेलेबल नहीं है, तो आपको राउंड के साथ ही जाना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट फिटिंग है, 2 ब्रांड में दिखा रहा हूँ, सारी ब्रांड्स में अवेलेबल है, कोई भी ब्रांड चूज़ कीजिए। नॉन ब्रांड में लेने जा रहे हो तो आपको और थोड़ी सस्ती मिलेगी। इसकी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें आपको 6 कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हो बॉक्स के ऊपर भी दिया है, 6 कलर के ऑप्शन है इसमें। वाइट, वॉर्म वाइट, नेचुरल वाइट तो मिल जाएगा, इसको छोड़ के आपको रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएगा। हो सकता है इसमें कहीं कहीं में नेचुरल वाइट आपको नहीं मिले, क्योंकि बाकी डार्क कलर काफ़ी ऑप्शन दिए हैं, तो नेचुरल वाइट नहीं मिलेगा, तो आपको वाइट, वॉर्म वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक तो मिल ही जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यही आपको सारे ब्रांड में कलर्स अवेलेबल हैं। इसकी और एक अच्छी बात है, इसके अंदर आपको 2 साल पीस टू पीस रिप्लेसमेंट की वारंटी मिलेगी। अगर आप कहीं से भी कोई भी पीस ले रहे हो, आपकी लाइट लगाने के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद अगर ख़राब हो गई या LED चली गई, तो इसमें आप वेंडर को दे दीजिए, वेंडर आपको नया पीस दे देगा। तो लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है, 2 साल की वेंडर की तरफ से आपको, कंपनी की तरफ से वारंटी मिलेगी, लेकिन 80,000 आवर्स की इसकी लाइफ है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। कहीं पे भी अगर आप पैनल लाइट लगा रहे हो, जो छोटी वाली पैनल लाइट आती है 3 वॉट्स की, अगर आप लगा रहे हो और वहाँ पे आपको लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ वो जगह पे आप डाउन लाइट लगा सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, पैनल लाइट फ्लैट आती है, इसमें थोड़ा डेप्थ ज़्यादा है, तो वो एरिया में डेप्थ वाली फिटिंग लग सकती है, तो आप ये डाउन लाइट लगाइए। मेरे चैनल पे डाउन लाइट और पैनल लाइट का डिफरेंस का वीडियो भी है, तो आप वो चेक कर सकते हो, वो देख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पैनल लाइट लगाना चाहते हो, तो उसकी जगह पे आप डाउन लाइट लगाइए, तो आपको लाइट भी ज़्यादा मिलेगी, लुक पैनल लाइट का मिलेगा और लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा मिलेगा, और लाइफ 2 ईयर्स की है। मतलब पैनल लाइट जैसी ही इसमें सारी ऑप्शन दिए गए हैं, खाली डेप्थ का आप ध्यान रखें, तो ये फिटिंग अच्छे से लग जाएगी। इसका बेसिक यूज़ होता है पैसेज वगैरह एरिया में, पैसेज हो गया, बालकनी एरिया हो गया, वहाँ पे ज़्यादा करके यूज़ होती है। इन बिल्ड ड्राइवर्स है अंदर, तो अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ज़्यादा करके आजकल यूज़ करते हैं लोग लिफ्ट एरिया में, लिफ्ट एरिया के अंदर ये यूज़ किया जाता है, लिफ्ट के अंदर, क्योंकि वो लाइट 24/7 यूज़ होती है और 365 डेज चलती है। 1 सेकेंड के लिए भी लिफ्ट के अंदर लाइट बंद नहीं होती है, तो ये लिफ्ट के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ होती है। वहाँ पे डेप्थ के प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो लाइट अच्छे से लग जाती है और लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने वहाँ पे लिफ्ट में कैमरा वगैरह अगर फिट किया है, तो लाइट काफ़ी अच्छी ब्राइट लाइट देता है, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्प होगी। और लाइट की जो वारंटी है 2 साल तक की मिल जाती है, तो अगर आपने एक बार लगा दी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं है। कलर ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल है, तो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो आपके सोसाइटी में या बंगलोज में या आपकी प्राइवेट लीफ में भी इस तरह की लाइट आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी डिमांड में है और लाइफ काफ़ी अच्छी है। और प्राइस रेंज की मैं आपसे बात कर दूँ, इसकी जो प्राइस रेंज है, आपको 200 के आसपास कोई भी ब्रांड में आप लीजिए, 8 to Z सारी ब्रांड में अवेलेबल है। साइज़ में 19-20 का फ़र्क है, खाली डेप्थ में फ़र्क आएगा, बाकी बॉडी की साइज़ सबकी सेम है। 200 से 250 मैक्स टू मैक्स इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी।
अभी जो इसमें विप्रो की जो प्राइस इसमें इन्होंने शेयर की है ये है 270 रुपीज़ की इन्होंने प्राइस एमआरपी है इसकी। और उसी तरह अगर पैनासोनिक की एमआरपी मैं आपको बताऊँ तो इसकी एमआरपी है 265 रुपीज़। तो 265 और 270 की एमआरपी है, लेकिन प्राइस आपको मार्केट में 200 से 250 के अंदर अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगी। अगर आप नॉन ब्रांड ले रहे हो तो आपको 100 से 150 रुपीज़ में मिल जाएगी, उसमें भी आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। तो कहीं पर भी अगर आपको इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं तो ये प्रोडक्ट को बेसक यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा रिव्यू है, काफ़ी लॉन्ग लाइफ है और काफ़ी अच्छी टिकती है, तो और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी है। तो कहीं पे भी अगर आपके घर में यूज़ करना है तो अच्छे से आप यूज़ कीजिए। तो यही इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो को एंड करता हूँ। तो मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो खुश रहिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।